कि जो कुछ कहा जाता है वह उसमें मेरा रंच मात्र कोई पुरुषार्थ नहीं है। कहो से गोस्वामी जी से तादात्म्य कह लीजिए, एकता कह लीजिए, प्रभु की अनोखी कृपा कह लीजिए, तो आपके समक्ष तो वस्तुतः एक श्रोता मैं भी हूं। अंतर इतना है कि आप नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, यह आपकी विनम्रता है, और मेरा अभिमान है कि मैं ऊपर बैठ कर सुन रहा हूं, पर वस्तुतः हम दोनों ही श्रोता हैं। आपके समक्ष श्री दाऊ जी ने बताया कि इस बार श्री भरत चरित्र की चर्चा करने के लिए कहा गया है, तो वो जो पंक्ति इस संदर्भ में केंद्र में शीर्षक के रूप में रखी गई है वह है, जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। श्री रामचरित मानस में अनेक उत्कृष्ट पात्र हैं और कुछ तो उनमें ऐसे हैं जिनके विषय में यह कहना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है यह अपराध जैसा जान पड़ता है, किंतु यह बात तो असंदिग्ध रूप से कही जा सकती है कि गोस्वामी जी बार बार जिस बात का स्मरण कराते हैं शायद ही वह अक्षर या वह शब्द उन्होंने कहीं भी दूसरे के लिए इतनी बार कहा, और वो शब्द है बहुधा कभी कभी ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति यदि न हो तो क्या होगा, या कभी कभी ये लगता है कि यह व्यक्ति अगर न होता तो क्या होता। साधारणतया तो नियम यही है कि संसार का चक्र तो चलता ही रहता है और किसी व्यक्ति के होने और न होने का विशेष महत्व नहीं, किंतु इतना होते हुए भी और विशेष रूप से एक महान संत, एक महान भक्त और उस युग के अनेक पात्रों ने यह प्रश्न सामने रखा, यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो। ये बात जो है कई बार अनेक प्रसंगों में श्री भरत को लेकर के दोहराई गई, और ये पंक्ति जो है भगवान शंकर के लिए एक बार तो पढ़ने को मिलती है, पर कोई अन्य ऐसा पात्र नहीं है कि जिसके लिए बार बार यह प्रश्न उठाया गया हो, यदि श्री भरत न होते तो क्या होता। तो ये जो पंक्ति पढ़ी गई है उसमें भी वही एक चुनौती का एक प्रश्न है कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। मनुष्य का अभिप्राय है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सारे विश्व के इतिहास में भले ही एक से एक बढ़कर के महापुरुष हुए हो, किंतु धर्म के समग्र स्वरूप को अगर किसी व्यक्ति ने अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट कर दिया तो वो एकमात्र श्री भरत। पर यह ध्यान रहे कि केवल धर्म के ही संदर्भ में नहीं, बार बार एक अयोध्या कांड में आप पढ़ेंगे कि यही शब्द बार बार दोहराया जाता है, कभी भगवान श्री राम, कभी देवता, कभी मुनि और कभी गोस्वामी जी। प्रसंग आता है भगवान श्री राम के शरीर में कुछ मंगल सगुण हो रहे हैं, श्री सीता जी को भी इसी प्रकार से शकुन की अनुभूति हो रही,
और दोनों में यह चर्चा चलने लगी कि शकुन का फल क्या। उस समय भगवान श्री राम ने यही कहा कि लगता है कि भरत आने वाले। भरत ननिहाल में थे तो शकुन हुआ, तो अब शकुन यो तो भगवान श्री राम के लिए राज्य मिलने की घोषणा होने वाली थी। भगवान श्री राम यदि राज्य को बहुत महत्व की वस्तु मानते तो सोच सकते थे कि शायद कोई ऊंचा पद मिलने वाला है। संसार वाले तो इस तरह के शकुन का फल तो इसी रूप में देखते हैं, कोई समृद्धि, कोई उन्नति, कोई फल मिलने वाला है। पर भगवान श्री राम कहते हैं कि बस भरत आगमन सूचक अहि। तो भगवान श्री राम कहते हैं भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुण प्रतीति भेंट प्रिय केरी। प्रभु ने कहा कि अरे भरत से मिले हुए तो बहुत दिन हो गए, इसलिए ये सगुण कहता है कि किसी प्रिय से मिलन होगा। वैसे सगुण शास्त्र में बताया भी गया है कि कौन सा सगुण हो तो किस प्रकार का फल होता है। तो भगवान राम श्री सीता जी दोनों को ये लगा कि जो शकुन है वो ये बता रहे हैं कि किसी प्रिय का मिलन होगा। भगवान राम से कोई पूछ सकता है कि आपके प्रिय तो अनेक हैं, न जाने कितने व्यक्ति आपके प्रिय। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप भरत का आगमन होने वाला है ऐसे क्यों मांग रहे हैं? और तब वही वो जो एक को शब्द है, को अक्षर कह लीजिए, वही भगवान राम के मुंह से निकला। भगवान राम ने कहा प्रिय तो है बहुत, लेकिन भरत सरिस प्रिय को जगमाए, यह सगुण फल दूसर लाए। भाई भरत सब प्रिय हो सकते हैं, पर यह तो एक निश्चित सत्य है कि भरत के समान और कोई प्रिय है ही नहीं। तो भगवान राम जब को अक्षर का प्रयोग करते हैं तो ये तो एक स्पष्ट स्वीकृति है, उनकी दृष्टि में वह व्यक्ति भरत ही हो सकते हैं कि जिनके आने के समाचार से प्रभु को यह लगे कि बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भरत के मिलन के लाभ से बढ़ करके वे किसी अन्य लाभ की कल्पना कर ही नहीं सकते। यह श्री भरत के प्रति भगवान श्री राम का कितना उनके प्रति एक उनकी आस्था है, उनकी प्रीति है, समादर है, जो भी शब्द कही वो शब्द कम। और सच बात तो ये है, जब ये बात भगवान राम ने कही तो सुनने वालों को लगा कि तो कुछ न समझ में आने वाली बात है। क्या आप देखेंगे कि श्री रामचरितमानस में प्रभु के निरंतर जो सहचारी हैं, साथी हैं, वो श्री लक्ष्मण है, जो कभी भी एक क्षण के लिए भी उनसे अलग होने की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो खेल हो, चाहे वो युद्ध स्थल हो, चाहे वो कृष्ण श्रृंगार के जहां पर लीला चल रही है वो पुष्पवाटिका हो। तो लक्ष्मण जी तो चिरंतर हर परिस्थिति में हर क्षण प्रभु के साथ, और श्री भरत का उतने तो कब वो तो खेल में भी ऐसा दिखाई देता है कि प्रभु के प्रतिपक्षी दल के नायक। अगर भगवान श्री राम और विभर्ष विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेने के लिए आए और उन्होंने ये कहा कि राम के साथ भाई के साथ राम को दीजिए, तो उस शब्द पर तो पहला अधिकार भरत का ही था। जब उन्होंने ये कहा कि आप जो है अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो बसना था, तो अनुज लक्ष्मण तो है पर श्री राम के बाद तो श्री भरत ही। अब ऐसी स्थिति में भरत ये आग्रह कर सकते थे कि मैं अनुज हूं और मुझे ही यह सेवा का सौभाग्य मिलना चाहिए, किंतु उस अवसर पर भी लक्ष्मण ही प्रभु के साथ जाते। श्री भरत ने तो एक बार भी ये आग्रह का संकेत भी नहीं किया कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तो कुछ विचित्र सा लगता है
कि भगवान श्री राम ये कहते हैं कि भरत के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय है ही नहीं, और जब अवसर आता है तो लक्ष्मण साथ में ही जाते दिखाई देते हैं। और सच बात तो ये है कि श्री भरत का ये जो अनाग्रह था प्रभु के साथ, कभी भी उन्होंने एक बार भी कोई वाक्य कहना तो दूर रहा। चित्रकूट में श्री भरत ने तो ये कहा और बड़े भाव भरे स्वर में कहा कि प्रभु मैंने आपके सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो बहुत, अब सुनने वाले चकित हो गए, ठीक है लेकिन कितना भी कम हो तो वो तो प्रभु के साथ ही खेलते हैं, उतना लक्ष्मण जी के समान नहीं तो भी तो बहुत साथ रहते। पर जब उन्होंने कहा कि मैंने आपके सौंदर्य की प्रशंसा सुनी है तो सुनने वाले को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा और उसी से यह लगता है कि दोनों के संबंध में वो जो एक जिसको संकोच शब्द के रूप में श्री भरत ने कहा महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बै, आज तक मैंने कभी भी प्रभु के सामने कोई वाक्य नहीं कहा। परिणाम क्या हुआ? वाक्य कहने के लिए तो जिससे आप बोलेंगे उसकी ओर देखना पड़ेगा। और उनका परिणाम यह हुआ कि श्री भरत कहते हैं कि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बहन और दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम प्यासे मैन। प्रभु संसार के लोग आपके सौंदर्य का अमृत पी करके तृप्त होते होंगे पर भरत के नेत्र तो सदा प्यासे ही रहे। अब आप कल्पना कीजिए जो इतना संकोची हो तो कभी दृष्टि मिलाता ही न हो, प्रभु से बोलता ही न हो, और जब अवसर आता हो तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण तो भगवान राम लक्ष्मण को छोड़ के जा ही नहीं सकते, लक्ष्मण के लिए तो असंभव है कि वे श्री राम से अलग रह सके। तो स्वामी जी ने कहा लोगों के मन मस्तिष्क में यही धारणा थी कि भरत तो ऐसे बड़े चरित्रवान है, बड़े सद्गुण संपन्न है, पर लक्ष्मण जैसा प्रेम तो उनका नहीं। बल्कि गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय धनुर्भंग का समाचार लेकर के जनकपुर से दूत आए और वो श्री महाराज दशरथ वह वार्तालाप कर रहे थे, भरत जी को यह समाचार मिला कि जनकपुर से दूत पत्र लेकर के आए। गोस्वामी जी से पूछा गया भरत कहां थे, तो बड़ा अद्भुत वाक्य लिखा हुआ है, खेल तो रहे तहां सुदिपाही, भरत खेल रहे थे। अभी खेल रहे थे कब, तो कोई बड़ा गंभीर कार्य नहीं है। कल्पना हो सकती थी कि भरत माला लेकर के जप कर रहे हो, श्री राम के इतने भक्त हैं तो श्री राम का ध्यान कर रहे हो। तो गोस्वामी जी कहते खेल तो रहे, श्री भरत खेल रहे थे और तहां सुदिपाही तब आए भरत सहित हित भाई, आगे हाथ हो गए पर स्वभाव तो अत्यंत संकोची, तो बस फिर भी साहस करके पिताजी से बोले पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहां ते पाती आई। पिताजी कहां से पत्र आया हुआ, और बड़े गदगद कंठ में से कहने लगे कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहां कहो कही देश, हमारे प्राण प्रिय बंधु जो है वो किस देश में। और जिस समय प्रश्न सुना पैसो किया गया सुन स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश, नरेश दशरथ उस पत्र को पूरा सुना देते। और उस समय जो श्री भरत की दशा हुई बोले सुनी पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात लगा, भरत के शरीर में रोमांच आंखों में आंसू इतने गदगद इतने भाव विवल, देखने वाले चकित हो गए। अरे ऐसा तो कभी ऐसी भरत की स्थिति तो कभी नहीं देखी थी। और साथ साथ देखिए ना संसार का तो एक नियम है, व्यक्ति के ईर्षा वृत्ति इतनी प्रबल होती है
कि वो कभी कभी भाई और भाइयों में भी परस्पर ईर्ष्या हो जाती है, एक भाई दूसरे भाई की उन्नति से प्रसन्न नहीं हो पाता, ऐसी भी संसार में रीति दिखाई देती है। तो उसे श्री भरत ने सुना, श्री राम और लक्ष्मण जगत विख्यात हो गए, श्री राम ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, भगवान शंकर का धनुष तोड़ा, का विश्व विख्यात। श्री भरत एक क्षण के लिए सोच सकते थे, अरे मैं तो नहीं इस अवसर पर था, अब मुझे तो इससे वंचित रह जाना पड़ा। पर गोस्वामी जी ने कहा, इतने आनंदित, इतने विह्वल कि जिस समय लोगों ने इस दृश्य को देखा, गोस्वामी जी का शब्द पढ़ने लोग गए, उन्होंने कहा, प्रीति पुनीत भरत कहे देखी, सकल सभा सुख लहे उभिसेकी। सारी सभा ने, अरे इतना प्रेम, इतनी प्रसन्नता, तो बस सारी सभा ये कल सोचने लगी कि नहीं नहीं, शायद श्री भरत को हम लोग नहीं पहचान पाते, सचमुच इनके हृदय की प्रीति जो है वो तो अनोखी।